बालकोनी में बैठे हैं माताएं बहने, मैं निवेदन करूंगा आप लोग भी पंडाल में पधारे। माना कि आपके पास टिकट वो बड़ा वाला 150 वाला लिया होगा, हम सब ने 50 वाला लिया, तो यहाँ आप लोग भी पधारे। यहाँ मित्रों बालाजी महाराज की झांकी आपने देखी, और बालाजी महाराज ने आपके गांव के दो कलाकारों को, तीन बच्चों को यहाँ मंच पर लाकर राम लक्ष्मण और हनुमान जी का रूप दिया। रामचरित मानस हम सभी ने पढ़ी है, सुनी है, राम की कथा हमने सुनी है। जब भगवान श्री राम और रावण दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो हमें पता है कि राम जीत गए थे और रावण हार गया था। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि राम क्यों जीते, रावण क्यों हारा? एक बहुत ही विशेष कारण है मुकेश भैया। राम क्यों जीते, रावण क्यों हारा? बड़ी तार्किक बात है कि उस युद्ध में भगवान श्री राम के भाई यानी लक्ष्मण जी उनके साथ थे, और रावण का भाई यानी विभीषण उनके साथ नहीं था। कहते हैं हमारे यहां कि बंद मुट्ठी लाख की, क्यों बाबा जी, और खुल गई तो खाक की। यानी जब तक एकता है, जब तक हम सब एक हैं, तब तक हमारे साथ ताकत है, शक्ति है, और जब हम आपस में बिखर जाएंगे तो हमारी शक्ति हमारी ताकत भी बिखर जाएगी। आज भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? परिवारों का टूटना सबसे बड़ी समस्या यही है। भाई और भाई के बीच में नहीं बनते। उस दौर में यदि भाई भाई की एकता रहे, जिस प्रकार घड़ी सबने देखी है, हाथ में भी बांधते हैं, 1 बजे से लेकर 11 बजे तक सेकंड की सुई अलग जाती है, मिनट की सुई अलग जाती है, और घंटे वाली सुई अलग जाती है, लेकिन जब घड़ी में 12 बजाने हो, आप सब जानते हैं तीनों सुइयां एक जगह आ जाती है, वो उनकी ताकत है। मित्रों कोई 12 नहीं बजा सकता यदि आप एक हैं। परिवार को एक रखना है, नेक रखना है। परिवार जब एक होगा समाज एक बनेगा, समाज जब एक बनेगा तो हमारा राज्य एक बनेगा, और जब राज्य एक हो जाएंगे तो हमारा देश एक बनेगा। फिर उसके बाद किसी पाकिस्तान की कोई मजाल नहीं कि हमारी ओर आंख उठाकर भी वो बात कर सके। इसलिए ये जवाबदारी, ये जिम्मेदारी सब बुजुर्गों को, सब बड़ों को है कि बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाएं ताकि वो आगे चलकर ऐसा भविष्य बनाए, ऐसा आपस में प्रेम रखें। इसीलिए शायर की दो पंक्तियां आप सभी के समक्ष शेयर करता हूं कि मत दो बच्चों को शिक्षा, मत दो बच्चों को शिक्षा चांद सितारे छूने की। देखिए कौन सी शिक्षा देनी है बच्चों को और कौन सी नहीं देनी है। मत दो बच्चों को शिक्षा चांद सितारे छूने की, चांद सितारे छूने वाले छूमंतर हो जाएंगे। और शिक्षा देनी है तो जमीन से जुड़ने की दो, जो जमीन से जुड़ेंगे वो अंतिम समय तक फर्ज निभाएंगे, अंतिम समय तक फर्ज निभाएंगे, अंतिम समय तक फर्ज निभाएंगे। इसलिए इस देश, इस माटी, इस संस्कृति की शिक्षा हमें देनी है। और एक बात और याद आती है, भगवान राम की झांकी हमने देखी। राम से कौन कौन प्रेम नहीं करता, सब प्यार करते हैं भगवान श्री राम से। और यहाँ बैठे हुए कौन कौन महानुभाव चाहते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन जाए, एक बार हाथ ऊपर करके समर्थन बता दीजिए। क्या बात है, सभी महानुभाव चाहते हैं। तो भगवान राम का मंदिर कैसे बनेगा, 4 लाइनों में आपके समक्ष बता देता हूं कि राम तुम्हारी मर्यादा का हम सम्मान करते हैं, राम तुम्हारी मर्यादा का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग दिल में रावण का अहम रखते हैं। जिस दिन हमारे दिल से रावण का अहंकार मिट जाएगा उस दिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बन जाएगा। हमें अपने दिल से अहंकार को मिटाना है तो निश्चित रूप से यदि हम आपस में एक हुए तो ये मंदिर भी बनकर रहेगा। आइए चलते हैं पुनः अगले भजन की ओर, ऐसा मुकेश जी ढांगी के साथ बड़े सुंदर से भजन की ओर। मैं निवेदन करूंगा एक बार जोरदार शाकंभरी माता का जय घोषण करेंगे। बोलिए शाकंभरी माता की।